हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं नीलिमा और अगेन मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आई हूं। जी हां, आज मैं बात करूंगी एक्ने पिंपल वाली स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, जिसकी केयर करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। बहुत ज़्यादा केयर चाहती है ऐसी स्किन जो ऑयली होती है, और एक्नी प्रोन वाली स्किन जो बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं। ऐसी स्किन जिनकी भी है वो बहुत अच्छे से समझ सकती है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मैं बात करूंगी एक एसेंशियल ऑयल के बारे में, आप कैसे उसका यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर सकते हो। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी टी ट्री एसेंशियल ऑयल की। आप ऐसे बहुत लोगों ने इस ऑयल के बारे में सुना होगा या यूज़ भी किया होगा, और नहीं सुना तो मैं बता दूँ, टी ट्री एसेंशियल ऑयल एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट माना गया है। बहुत अच्छा होता है। इवन अगर आप कोई भी फेस वॉश, कोई भी टोनर या कोई भी फेस पैक यूज़ करते हैं, अगर उसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल है तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं बात करती हूँ कि इस मेरे पास एसेंशियल ऑयल है जो कि प्योर एक्सट्रैक्ट होता है, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसका एज इट इज़ डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि इसको डायरेक्ट कैसे यूज़ करना है। वैसे तो एसेंशियल ऑयल्स डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके कहीं पिंपल हो रहा है, अगर कहीं पे एक्टिव पिंपल है और आपके पास ये एसेंशियल ऑयल है, तो आप बस एक जो सीक या माचिस की तीली या टूथपिक होता है, आप बस टूथपिक से ले करके उस पिंपल पे हल्का सा रख दीजिए, और विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के बाद आप उसको वाइप आउट कर दीजिए। गीले कपड़े से या कॉटन के पैड से आप उसको वाइप आउट कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है, क्योंकि डायरेक्टली आप इसका स्किन पे बहुत देर तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं? एज अ फेस पैक की तरह। अगर आप कोई फेस पैक यूज़ कर रहे हैं, हालांकि आप मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छी तो होती है, मुल्तानी मिट्टी एक्ने प्रोन स्किन के लिए, अगर आप वो फेस पैक यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें टू ड्रॉप इस एसेंशियल ऑयल के डाल करके यूज़ करिए। आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए ऐसे फेस पैक का, और आप इसका रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं कि कैसा आता है। सेकंड, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी फेस वॉश अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 1 ड्रॉप इसको डाल करके आप फेस वॉश कर सकते हैं। और थर्ड, अगर आप कोई टोनर यूज़ कर रहे हैं, मैं आगे टोनर भी बताऊंगी आपको कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए आप कौन सा टोनर, कैसा टोनर DIY करके घर में बना सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप टोनर यूज़ करते हो तो आप क्या करो, सिंपल एक बॉटल में आप पानी ले लो, पूरी बॉटल पानी से भर लो, और 2-3 ड्रॉप आप केवल इस टी ट्री एसेंशियल ऑयल की उसमें डाल दीजिए स्प्रे बॉटल में। देन जब भी आप अपना फेस वॉश करें, उसके बाद आप हल्का सा इसको स्प्रे कर लीजिए, और विद इन 1 मिनट उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा सकते हो। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हो तो नाइट क्रीम में भी 1 ड्रॉप डाल करके आप उसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिर बता दूँ, डायरेक्टली इसका यूज़ नहीं करना है पूरे फेस पे, कहीं पर भी आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। डायरेक्टली बस यूज़ करना है, अगर कहीं भी एक्टिव पीपल है तो टूथपिक से आप बस 1-2 मिनट के लिए लगा करके फिर गीले कपड़े से, गीले कॉटन से वाइप आउट कर सकते हो। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आप एज अ फेस पैक है, फेस वॉश है, टोनर है, इसमें आप उसमें डाल करके यूज़ कर सकते हो, डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आप इसको जैसे मैं बता रही वैसे यूज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो इम्प्योरिटीज़ को, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसको मारने में बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। तो टी ट्री एसेंशियल आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो आप खुद देखोगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। मेरे पास गुड वाइब्स का है। आपके पास जो भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिले आपको, आप आराम से भी वो यूज़ कर सकते हो। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपको ये ऑयल, किसी भी ब्रांड का ऑयल अच्छे से मिल जाएगा। बस आप उसकी रेटिंग वगैरह दे करके आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल का यूज़ करिए और अपनी स्किन को फ्लॉलेस, ग्लोइंग और एक्ने से रहित बनाइए। जी हाँ, एक्ने पिंपल है तो आप अपनी स्किन में आप इसका यूज़ करिए और कुछ दिन बाद इसका रिज़ल्ट देखिए।
मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप इसको क्रीम मॉइस्चराइज़र में लगा रहे हो या फेस वॉश में कर रहे हो या टोनर कर रहे हो तो आप नाइट के टाइम यूज़ करिए, दिन के टाइम इसका यूज़ ना करिए, क्योंकि मैं मोस्टली ऐसे सजेस्ट करती हूँ इसेंशियल्स ऑयल का आप नाइट टाइम में यूज़ करिए। तो या तो आप फेस वॉश में करिए, या तो आप टोनर की तरह यूज़ करिए, या तो फेस पैक की तरह यूज़ करिए, इन तीनों में से कोई एक की तरह आप यूज़ कर सकते हो। आप तीनों में एक ही इसको मिला करके यूज़ मत करिए। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप अगर कोई नाइट क्रीम लगाते हो तो आप उसमें एक ड्रॉप डाल करके यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है, आप जिस भी तरीके से यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए अपनी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी।